चैनल। सो आज की कहानी जो है जावा के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, तो जावा की जो शोरूम्स है खुल चुका है। इनफैक्ट एक दिन में तीन तीन शोरूम्स खुल गया एक साथ बैंगलोर में, और मैं पहुंच गया रोशन कामत शरद सनॉय के साथ शोरूम में। करीब 1.5 घंटा मुझे लगा होगा आराम से व्हाइटफील्ड से लेके वसंत गुड़ी वहां तक पहुंचा। तो शोरूम के नाम जो है सिनर्जी है। पहले वो महिंद्रा की शोरूम होती थी, अब जो है वो जावा की शोरूम हो चुका है। दोस्तों फाइनली हम लोग है कहाँ पे, जवाब है एंड कैमरामैन रोशन के साथ। रोशन भाई को पहले आप देखे होंगे जावा का जो इवेंट था वहाँ पे, गेट टुगेदर था ना आपका, वो जावा डे वहाँ पे मिले थे। और इनके पास 20-25 जावा भी है। है तो बहुत सारे, 10 है। चलो देखो 10 है, 10 का अभी ओथ लेंगे वो कि 10 का 10 हम लोगों को राइड में देंगे। डेफिनेटली। तो गाइज हम लोग हैं फाइनली यहाँ पे, दिस इज सिनर्जी, ये वसंत गुड़ी पे आज जो यहाँ पे शोरूम इनाग्रेट हो रहा है जावा का। 2:30 टाइम था लगभग, पता नहीं कितना टाइम है। सो ये आप देख सकते हैं, लोगो है मेरे पीछे जावा की लोगो। एंड मैंने सोचा कि शोरूम को चलते हैं, बाइक देखेंगे, थोड़ी सी वीडियोस लेंगे, फोटोज लेंगे एंड थोड़ा बाइक पे बैठ के फील करेंगे कि कैसा लग रहा है। फोटोज वीडियोज पे बहुत देख लिए हम लोग यूट्यूब पे, अब थोड़ा बैठ के फील करेंगे कैसा फील हो रहा है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद सीन्स कुछ डिफरेंट ही था। वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, एक्चुअली काफ़ी सारा लोग थे। जी हाँ, बहुत ओवर क्राउडेड था वहाँ पे, देख लो आप, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। बिलीव नहीं करोगे, मैंने सोचा कि यार वीक डे है, कोई भी नहीं रहेगा वहाँ पे, सब ऑफिस में रहे होंगे, लेकिन सीन्स आर डिफरेंट। और हमारे साथ है मोजो बाबा। हेलो मोजो बाबा आजकल हर वीडियो पे है, बस सरद का 100 वीडियो तो डेफिनेटली है। दिस विल बी टोटली डिफरेंट मोटरसाइकिल फॉर श्योर, राइट? अ न्यू एरा मोटरसाइकिल, विल नॉट फील लाइक द टू स्ट्रोक्स, राइट? बट डेफिनेटली मजा आएगा डेफिनेटली। तो एक बार जब जावा आ जाता है टेस्ट राइड के लिए, हम लोग टेस्ट राइड लेंगे, फीडबैक भी आपको देंगे डेफिनेटली, एंड देखेंगे फ्यूचर में क्या प्लान है वो तो सोचेंगे। और यहाँ पे राजेश भाई है हमारे, XBHP के दोस्त हैं, राइडर फ्रेंड एंड ही आल्सो राइड्स इन मोजो। अब आप ये मुझे पूछेंगे कि ब्लू भाई आपको बाइक कैसा लगा? वेल, बात ऐसा है कि हम जो है बाइक पे मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स बैठे हैं, वो भी EMI पे, इंस्टॉलमेंट्स पे। तो वो था सीन, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, ओवरक्राउडेड था, पीछे बहुत सारे लोग थे फोटोज और वीडियोज लेने के लिए, सब लोग बैठ रहे थे, सब लोग फील कर रहे थे। तो ये बता दूं कि बस एक शॉर्ट छोटा सा विजिट मिला हमको बाइक की। तो ये बात है कि बाइक को फील करने के लिए बहुत कम टाइम मिला। तो फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फिट एंड फिनिश जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फर्स्ट इंस्टेंस पे ही आपको पता चल जाएगा, बाइक पे बैठने से भी एक फील भी अच्छा आता है, हैंडल बार का पोस्चर भी अच्छा आता है। बस ये जो छोटे मोटे चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया, सबसे अच्छी बात आपको लगेगा कि सीट हाइट, अगर आपकी हाइट शॉर्ट है आपको और भी बहुत बेहतर लगेगा, अगर टॉल हो तब भी आपको वो फील थोड़ा अच्छा आएगा, डेफिनेटली अच्छा आएगा। एंड उसके बाद एक और बात बता दूँ कि एग्जॉस्ट नोट ಸೂಪರ್ ಲಗೆ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ರೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಐ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಓ ಯಾ यकीन मानिए जो भी एग्जॉस्ट नोट आप लोग YouTube पे सुने हैं, जहां पे भी जिस भी साइट की, वो सब फीका है, एक्चुअली फीका वाला एग्जॉस्ट नोट है। इसकी जो एग्जॉस्ट नोट एक्चुअल में है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आप बोल सकते कि उसमें एक बेस है और एक ब्रॉड टोन जैसा आता है, मैच्योर बाइक जैसा आता है, मतलब उसका साउंड आप ये थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं मोजो के साथ, मोजो से, लेकिन फिर भी ये बहुत बेहतर साउंड आता है। तो वो है, तो ये एग्जॉस्ट साउंड सुनने के लिए आप एक्चुअली शोरूम को जाने के बाद ही आपको जो साउंड मिलेगा वो कोई वीडियो पे नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैंने भी लिया, शरद ने बाइक स्टार्ट किया तो मैंने ये साउंड लिया, देखो। और ये आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हम लोग जो है बाइक की टेस्ट राइड लेंगे, इनफैक्ट कोशिश करेंगे। जावा वाले अगर आप लोग सुन रहे हो तो कोशिश कीजिए हमें एक लॉन्ग
राइड के लिए, बाइक देने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है, क्योंकि हम जो है शॉर्ट राइडर्स है नहीं, मतलब छोटे मोटे राइड्स नहीं करते, बस लंबे लंबे राइड्स ही करते हैं और उस पर ही फीडबैक शेयर करते हैं। छोटे राइड्स पे अपने जो सब्सक्राइबर्स है उनको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो कोशिश कीजिए अगर बन पाता है एक छोटा सा लॉन्ग राइड हमें दे दीजिए, तो देने से एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं अपने सब्सक्राइबर के पास, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि ऐसा एक वीडियो आने के बाद वो लोग डिसीजन ले सकें। अब आपको ये बता दूं कि बुकिंग के बारे में, वैसे हम लोग ये सुने कहीं पे, कहीं तो सुने कि करीब 10,000 पीस जो है बिक चुका है, लाइक बुक्ड हो चुका है जावा की। उसका मतलब ये है कि 10,000 पीस डिलीवर होते होते काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, मे बी मुझे जो लग रहा है मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। उसका मतलब यह है कि अगर आप लोग अभी बुक कर रहे हैं तो शायद आपको बाइक जो है अप्रैल और मई उस टाइम के बाद आपको शायद मिलेगा, क्योंकि डेफिनेट सी बात है बिकॉज जावा बहुत दिनों के बाद फिर आ रहा है एंड ऑब्वियसली उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहेंगे इट विल नॉट बी लाइक बजाज या फिर एनफील्ड जो मास स्केल में बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शंस बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, आई फील सो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी डीलर्स इसको ले रहे हैं उनको, जैसे आप कल देख लो जो बैंगलोर में जो इनॉग्रेट है वो जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स से ही बहुत खुश हैं डीलर, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बेनिफिट द डीलर फॉर श्योर रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात है कि बिजनेस जो है बुकिंग्स पे नहीं होता है, बिजनेस जो है डिलीवरीज पे होता है। The kind of response that we've seen in Bangalore, so many people wanting to sit on the bikes, wanting to take pictures with the bikes, wanting to hear what it sounds like, and so much love and affection that Java has in this city, and we are very thankful to the city of Bangalore for the love and affection that they've shown us. I have one more showroom to get to, and hopefully we'll have many more people there as well. So, this brilliant experience. Bangalore, in any case, one of the favorite cities in India. So love to come here anytime, and it's always a pleasure to see so many motorcycle buffs, motorcycle aficionados together, wanting to find out more about the bike, wanting to find out when they can get their hands on it or when they can take test rides. And if not all of that, there are loads of people who are asking me how fast it will go, or can we take it off road, can we modify it. So many questions, love to answer them. So there are also some accessories coming up for both the bikes. There will be. First, we'll start slow, small set of accessories. Then we'll expand our range gradually. Odisha. Bhubaneswar will have a dealership. So yes, absolutely. And also in other cities in Karnataka. Karnataka is our traditional home, so which is why there's a lot of dealerships that are going to get inaugurated in Karnataka. So other than Bangalore, there will be Mysore, Hassan, Mangalore, Hubli, Udupi. I can rattle off a list of dealerships which will be there in Karnataka. My name is Vikas. Basically, we are from Mysore. We have got a store from past 45 years. We are dealing in SV Java spares. So, since two decades, we have been supporting these Java vehicles to be on roads. So, it's been a privilege to be a new Java dealer for Mysore. So, we are expecting it to be launched by second week of January. And also last Sunday we had a launch of our cycling studio in the name of Bike Studio. And in the same store we have got a riding gear store where we have got action cams. So where exactly this is in Mysore? The Bike Studio is in Gokulam, main road, Devi Morla, next to CCD. So if you guys are from Mysore and you wanted to book a Java or you wanted to visit Java showroom, so these are the guys, you can directly deal with them. Right? So Mysore log aa jao bas showroom ko aap log. So second week January, right? Yeah. Any dates you have finalized? Not yet. Okay, theek hai. At Sarastipuram. Location, right? Java store is going to come up at Sarastipuram. Okay. Next to Fire Brigade. Cheers. So congrats. Yeah. And I hope you'll get lot of bookings. Thank for you sure. बस इतना आपको शेयर करना था, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे जब हम लोगों को बाइक मिलेगा और हम लोग कुछ रिव्यू वीडियोस आपके लिए ले सकेंगे, कुछ इम्प्रेशंस और कुछ
डिटेल आपको बता सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे. चीयर्स.